राधे राधे दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह का मल्टीपर्पज पाउच, जिसे हम सेविंग किट, मेडिसिन किट और बच्चों के पेंसिल किट के रूप में, मेकअप किट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। बनाना बड़ा इजी है। चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये लाइनिंग का कपड़ा और फॉर्म सीट और ये साड़ी का फैब्रिक जो पड़ा हुआ था। अब मैं इसे नाप से एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। इस टाइप के हमें दो सर्कल चाहिए। ये देखिए, हमने उल्टी साइड इस तरफ दिख नहीं रहा था तो मैंने उल्टी साइड ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। टू पीसेस चाहिए इसके। अब मैं इसे कट कर दूंगी। ये मैंने टू सर्कल कट कर लिए हैं। अब हम इसको माप लेंगे राउंड में। यहाँ मार्क कर देते हैं हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। इस तरह से इसको राउंड में मेजर कर लेंगे। साढ़े आठ, तो 8.5 इंच ही ये हम ले लेंगे, 8.5 इंच लंबाई में, 8.5 इंच चौड़ाई में, और लंबाई हम अपने हिसाब से कर लेंगे इतना। ये लिया है मैंने 10 इंच लंबाई और 9 इंच चौड़ाई। अब हम ये सर्कल इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से जोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पहले हम इसमें चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, इसमें भी सिलाई लगाएंगे, तीनों पीसेस को फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमने इन दोनों पीसेस में सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें ऐसे उल्टा रखेंगे पहले, और इस किट की सहायता से हम इसमें मार्क कर लेंगे। ऐसी बराबर दूरी पर हम इसमें स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो इंची टेप से मार्क के भी मार्क कर सकते हैं। इस तरह से हमें पूरे पीसेस में सिलाई लगानी है। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने मार्क किया है। ये देखिए, हमने क्विल्ट कर लिया है। जितनी मार्क लगाए थे हमने सारे में सिलाई लगा ली है। ये देखिए, हमने क्विल्ट कर लिया है। अब हम इसमें ये रनर ऐड करेंगे। तो इसमें हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलट के इस तरफ से अंदर से भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम पलट लेंगे इसको, और हम इसमें भी ये इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने साइड से भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अलग कर लेंगे इस तरह से, और हम इसमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिर से सिलाई लगाएंगे। ये हमने लगा लिया है। अब हम इसको इसमें स्टिच करेंगे। इस तरह से देखिए, ये हमने आधा जोड़ दिया है। अभी पहले हम इसमें रनर ऐड करेंगे। इसके बाद हम जोड़ेंगे, सिलाई लगाएंगे, जिससे ये पूरी दब जाए इसमें जिप। सीधा करके डाल लेते हैं।
देखिए ये हमने रनर ऐड कर दिया है और हमने पाउच को उल्टा कर दिया है। अब हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी चेन खुलेगी नहीं और हम ये एक्स्ट्रा चेन को कट कर देंगे। हम यहाँ राउंड में सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने राउंड में सिलाई लगा ली है एक साइड से। अब हम इस तरफ से भी जिप को बंद करेंगे। पहले हम इस तरफ से इसको निकाल लेते हैं फिर उल्टा फिर से हम रनर ऐड करेंगे जिससे इस साइड से भी हमारी जिप बंद हो जाएगी। फिर हम वो गोल पार्ट जोड़ देंगे इसमें। इस साइड से हम रनर ऐड करेंगे तो इस साइड से हमारी जिप बंद हो जाएगी। देखिए मैंने इस साइड से रनर को ऐड कर दिया तो इस साइड से जिप बंद हो गई है। अब हम इसको जोड़ देंगे इसमें। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ जॉइन कर दिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए हमारा पेंसिल पाउच बनके तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।